हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा प्याज के क्रिस्पी पकौड़े घर पर कैसे बनाएं। इनको आप सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं और इसके साथ में हम बनाएंगे पुदीने की चटपटी सी चटनी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं जिनको मैंने छील लिया है। सबसे पहले प्याज की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, प्याज को आपने 1/2 करना है। 1/2 करके इसको आपने लंबा लंबा काट लेना है, देखिए इस तरह से, और मोटे मोटे स्लाइस काटने हैं। ज़्यादा बारीक नहीं काटना अपने प्याज को। प्याज को ज़्यादा बारीक स्लाइस काटेंगे तो क्या होगा, जो पकौड़े हैं ना वो आपस में चिपक जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपने प्याज की कटिंग कर लेनी है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पालक भी ऐड कर रहा हूँ। आपके पास पालक हो तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए, पालक को भी मैंने धो लिया है। धोने के बाद आपने पालक को भी बारीक काट लेना इस तरह से। पालक डालने से पकौड़े थोड़े हरे भरे दिखते हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं देखने में और खाने में अच्छा टेस्ट भी आता है इससे। तो ये देखिए, पालक को मैंने काट लिया है। इसके बाद प्याज को मैंने एक बड़े बाउल में डाल दिया है। बाउल में डालने के बाद आपने प्याज को देखिए इस तरह से मसल लेना है ताकि इसके जो स्लाइसेज हैं वो अलग अलग हो जाएं, इसके जो लच्छे हैं वो अलग हो जाएं, देखिए इस तरह से। फिर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो एक छोटा चम्मच आपने इसमें नमक ऐड करना है और नमक डालने के बाद फिर से आपने प्याज को अच्छी तरह से नमक के साथ मिक्स कर लेना है। नमक के साथ प्याज को मिक्स करेंगे, प्याज ना पानी छोड़ना शुरू कर देता है। 3 से 4 मिनट तक प्याज को इसी तरह से छोड़ दीजिए। फिर आपने एक मिक्सी का जार लेना है, थोड़ा सा उसमें अदरक ऐड करना है। 5 से 6 आपने हरी मिर्च डालनी है इसके साथ में और इनको ना दरदर सा ग्राइंड कर लेना है या फिर आप इनको कूट के भी डाल सकते हैं। तो ओके, देखिए जो हलवाई लोग यूज़ करते हैं वो इसी ट्रिक को यूज़ करते हैं, इससे अच्छा टेस्ट आता है उनके पकौड़ों में। तो ओके देखिए, मैंने अदरक और मिर्ची इसमें डाल दिए, साथ में हम इसमें पालक भी डाल देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करते हैं इसके साथ में। आपने थोड़ा सा इसमें कूटा हुआ धनिया डालना है, साबुत धनिया लेना है, उसको कूट के डाल देना है। और थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ में आपने इसमें थोड़ी सी रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। साथ में हम इसमें अजवाइन डालेंगे। तो देखिए, 1 चम्मच भर के आपने इसमें अजवाइन डाल देनी है। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। हम पकौड़े वगैरह खा लेते हैं ना, केवल गैस्ट्रिक वगैरह रहते हैं, तो अजवाइन डालेंगे तो उससे गैस्ट्रिक वगैरह नहीं होगी। अच्छी तरह से प्याज के साथ मसालों को भी मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें बेसन ऐड करना है। तो देखिए, 1 कप मैंने बेसन लिया है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। थोड़ा सा बेसन मैंने बचा लिया है। इसके साथ में आपने 2 छोटे चम्मच भर के चावलों का आटा डालना है या फिर आप इसमें कॉर्नफ्लोर या मैदा का यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, इसके बाद प्याज के साथ आप मिक्स कर लीजिए बेसन को। अब जब प्याज के साथ आप बेसन को मिक्स करेंगे, मिक्सचर ना थोड़ा ड्राई सा हो जाएगा, तो हल्का सा आपने इसके ऊपर पानी स्प्रिंकल करना है। देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कीजिए और फिर से आप बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए प्याज के साथ में। अब अगर आपको लगे कि प्याज के ऊपर बेसन की अच्छी कोटिंग नहीं आ रही है, तो जो बचा हुआ बेसन था वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और उसको भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ये देखिए। और फिर से आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ना पानी स्प्रिंकल करना है। तो ये जो आपने पकौड़े का मिक्सचर बनाना है, थोड़ा सा ढीला बनाना है, ज्यादा टाइट मिक्सचर नहीं बनाना है। देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने इसको भी। अगर आप टाइट मिक्सचर बनाएंगे, जो पकौड़े ना बाहर से जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपने ढीला मिक्सचर बनाना है। अब पकौड़े छोड़ने कैसे, देखिए इतना सा आपने मिक्सचर लेना है और डाल देना आपने ऑयल में फ्राई करने के लिए। अब ऑयल का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे मीडियम रखना है। ज़्यादा गर्म तेल में पकौड़ों को फ्राई करने के लिए नहीं डालना है, नहीं तो पकौड़े जो है बाहर से एकदम से तो कलर आ जाता है, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो ये देखिए, जितने पकौड़े ऑयल में फ्राई करने के लिए आते हैं उतने आप एक बार में डाल दीजिए और गैस की फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है। मीडियम फ्लेम में 5 से 6 मिनट तक इनको आराम से फ्राई होने दीजिए और एक बार इनको स्पाइडर की सहायता से आपने हिला देना है। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। जब तक पकौड़े फ्राई हो रहे हैं, ग्राइंडर जार में थोड़ा सा आपने मिंट डालना है, थोड़ा सा आपने इसमें धनिया डालना है। धनिया का यूज़ आपने थोड़ा सा ज़्यादा करना है। 10 से 12 आप लहसुन की कलियाँ डाल दीजिए। 2 आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है और इसके साथ में आपने भुना हुआ जीरा पाउडर डालना है इसमें। थोड़ा सा आपने इसमें नमक डालना है। नमक की क्वांटिटी आपने कम रखनी है क्योंकि हम इसमें चाट मसाला पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच और थोड़ा सा आपने इसमें काला नमक डालना है। तो ये दोनों भी नमक का काम ही करते हैं। साथ में आपने इसमें आइस क्यूब डालना है और आइस क्यूब के साथ आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। आइस के साथ आप चटनी को पीसेंगे, आपकी चटनी का कलर एकदम ग्रीन रहेगा, देखिए इस तरह से। और आपको लगे कि थोड़ा सा पानी डालने की जरूरत पड़ रही है तो थोड़ा सा पानी का यूज़ आप कर सकते हैं। और चटनी को मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। इसके साथ में आपने 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें टोमेटो सॉस ऐड करनी है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। तो इस चटनी के साथ आप किसी भी तरह के पकौड़े या समोसे वगैरह खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और ये देखिए, पकौड़े फ्राई होते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह से इनके बाहर से कलर आना भी शुरू हो चुका है। अब आपने गैस की फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा देनी है क्योंकि पकौड़े अंदर तक अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब लास्ट में गैस की फ्लेम बढ़ाएंगे, उससे ना पकौड़ों में अच्छा क्रंच आएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं पकौड़े
पकौड़ों में अच्छा कलर आ चुका है और अच्छी तरह से हमारे पकौड़े क्रिस्पी भी हो चुके हैं। इसके बाद आपने पकौड़ों को किसी भी पेपर या नेपकिन पेपर के ऊपर निकाल देना है, क्योंकि पकौड़ों के अंदर हल्का फुल्का सा जो ऑयल होता है वो नेपकिन पेपर सोख कर लेता है। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर और धनिया डालिया, हरा धनिया। गर्म गर्म पकौड़ों को चटनी के साथ सर्व कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।